प्रिंस किचन में आज मैं बनाती हूँ बसंती पुलाव, जिसे मीठे चावल भी आप कह सकते हैं। ये बंगाल की एक फेमस रेसिपी है। हर पर्व और त्योहार में इसे बनाया जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। कम झंझट और कम इंग्रेडिएंट में बनकर के ये तैयार हो जाता है। प्रिंस किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं बसंती पुलाव। बंगाल में इसे जब भी बनाई जाती है तो वहाँ पर लोग गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चावल आपको ना मिले तब भी आप इसे बना सकते हैं। इस चावल के जगह आप छोटे वाले बासमती चावल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी में हम धो लेते हैं। अब इस धुली हुई चावल में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कुटी हुई अदरक। हल्दी यहाँ पर इसके पीले कलर के लिए, अदरक से इसमें एक अच्छी खुशबू आती है। अब इस चावल को ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी। घी जब पिघल जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे सारे साबुत मसाले, जिसमें हमने लिया है 2 तेज पत्ता, 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। यहाँ पर इस पुलाव में जीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साबुत मसाले जब चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू। इन दोनों चीजों को घी में अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। काजू और किशमिश भून चुकी है तो इसमें हम ऐड करेंगे भिंगोए हुए चावल। चावल डाल करके इसे घी के साथ 2 मिनट तक अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। चावल भून चुकी है, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। अगर आप यहाँ पर मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। इसे भी चावल में अच्छी तरीके से मिक्स करके ऐड करेंगे पानी। पुलाव बनाते समय हमने 1 कप चावल का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर उसका डबल यानी 2 कप पानी हम इसमें डालेंगे। ढक्कन बंद करके तेज फ्लेम पर 1 उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। ढक्कन खोल करके चेक कर लेते हैं, उबाल आ गई है। गैस का फ्लेम लो करके ढक्कन बंद कर इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल करके हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। पुलाव एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। चावल भी हमारे कितने खिले खिले हैं। चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व। कम झंझट और परेशानी में आप अपने किचन में इसे कभी भी बना सकते हैं। स्वाद भी इसका जबरदस्त होता है और हर किसी को ये पसंद भी आता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्रिंस किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।